राम राम सर, स्वागत आप सबका अपनी आज की इस नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। तो आज की वीडियो में भाई अपना, वैसे तो अपना न्यूज़ चैनल नहीं है, बाकी कवर करनी पड़ रही है अपने यहाँ न्यूज़। जो आज की न्यूज़ ला लो, चाहे कोई ला लो, वीडियो कवर करनी पड़ रही है अपने यहाँ, क्योंकि आज का मुद्दा ही सामने भाई। आज अपनी गौशाला थोड़ा लिया जो मैटर चल रहा था, आपने वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, वायरल रील भी देखी होंगी आप सब ने। तो जो मुद्दा चल रहा था, तो उसकी पंचायत इकट्ठी होनी है अपनी पिल्लूखेड़ा मंडी में। तो उसने लेकर है, मैं फिर अपने दिखा दूँ, गोरक्षा दल के और भाई सारा सब इकट्ठा हो गया है। तो भी फिलहाल जो अंकल जी थे, तो कैमरा के आगे से आपने देखे होंगे सारे चैनल पर जो बोल रहे थे, तो इस समय हो चुके हैं पिल्लूखेड़ा अनाज मंडी के अंदर। और अभी सभी से विनती कर रहे हैं कि भाई सारे इकट्ठा हो जाओ और एकजुट होकर बैठ जाओ एक स्थान पर। भाई कोई भी बालक नहीं, जो गौ रक्षा दल का है, जो गौ माता में आस्था रखता है, मतलब कोई भी उदंड बच्चा नहीं होगा, बिल्कुल कहने के अनुसार चलना है। खबर अच्छा, दूसरी बात सुन लो, पहले गौ माता की जय बोलो, गौ माता की जय। अपने मुख से जो बोलूंगा उसमें झूठ का कोई काम नहीं पाऊंगा। इन्होंने पंचायत की, अरे ताली ना बजाओ, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो तारा चाचा ताऊ भाई हूं। सुनो, पंचायत इन्होंने कर दी, कुरकुल के अंदर लोगों को भ्रमित कर दिया गया। मैं फिर गौशाला का पंचायत कुरकुल में गलत है, बिल्कुल गलत समर्थन करो इसका। जो मेंबर हैं वो सभी के सभी आने लग रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, शांति तरीके से हमने गौ माता को बचाना है, गौ माता की रक्षा करनी है, शांति तरीके से उनका चढ़ावी है। और शांति से चलना है और अपना आप पे संयम बरतना है, क्योंकि तुम लोग जवान हो, मैं 65 साल का बुढ़ा मानस हूँ भाई। जो गलत जो काम कर रहे हैं ये एक तो पहली बार वो जो अडवारा था जहाँ गाय का हड्डियाँ शाम पड़ा जाता था, इन्होंने सारा का सारा बंद कर दिया, हो बुलडोजर फेर दिया उसको ऊपर को, अब कदे सबूत रह जाए। और अब ये जो है नहीं, ये जो गुरुकुल के संचालक हैं, वो कर्मचारी हैं, उनको आगे हड़ाया जा रहा है और वो कमेटी से पूरी है। और भाई मेरी तो तारे तेन प्रार्थना है, बेटा मेरे बेटे हो, मेरे बच्चों, उदंडता पर कोई नहीं आएगा, उदंडता किसी ने नहीं करनी है, सब प्रण खड़े कर चुको, उदंडता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गौ माता की जय। अब संघ अच्छा सुन लो, एक बात और मैं ऐलान करता हूँ, यदि ये ना मानेंगे, नहीं ये ना मानेंगे, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी देता हूँ तुम्हारे माध्यम से, गौ माता की जय, जय माता की जय, माता की जय। ये आवाज इंडिया में जा चुकी है, हर सरकार को पता चल गया है। अब देखो, हमने मेवात में जान की कड़ा जरूरत है, जवाड़े मेवात बना दिया इन लोगों ने, जब तक गौ माता रहेगी, जब तक गौ रहेगी और जब तक हिंदा रहेगी, गीता रहेगी, और जब यह गौ माता विलोप हो जाएगी नहीं, धरती पे कुछ नहीं।
नहीं रहेगा। और सुनना एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, देखो बॉक्सर भाई जो बॉक्सर ढिल्लो था इसकी चैनल जिसकी अकाउंट पर वीडियो वायरल हुई थी वागोशाला की, वो भाई पिल्लो खेड़ा मंडी में पहुंच चुके हैं फिलहाल। भाई पहले बार चल रहे माँ हवा मारी जाएगी भाई, गौ माँ रास्ते माँ माँ का दर्द जाए, वे कह रहे उनकी किताबों में लिखा माँ की हड्डी में कैल्शियम, हम कहवा मारी गीता में लिखा माँ हवा मारी माँ की तरफ कोई काट रहेगा भाई खुद कहूँ गर्दन काट दी जाएगी जो माँ ने काटा का क्लियर बात है। और माँ ने इंसाफ दिलाना मेरे भाई, सारा भाईचारा बहाने का काम कर रहा है, एक घंटे के अंदर कम से कम 5-6 हज़ार भाई आ जाएंगे, सारे वाले बैठा फिर चलेंगे। फिर हमने पंचायत नहीं, हमने जनता का फैसला सुनाना, पहली मांग गौशाला सरकारी बने, दूसरी मांग अडवारे जितने भी हिंदुस्तान में सब बंद होने चाहिए, माँ है किसी भी अडवारे में माँ की खाल नहीं उतारी जाएगी, माँ नहीं काटी जाएगी, तीसरी मांग जितनी भी यह कमेटी थी जिसने इनने जो काम करा इन पे गौ कसाई का मुकदमा होना चाहिए भाई, सब पे 10-10 साल की सजा होनी चाहिए, सबने माँ काटी है, भूखी मारी है। इन्होंने कई जगह नियम पे 50 किले नाम है गौशाला के जगह का भी, वो भाई सारे बैठ पता क्या है, सुनो कम से कम 40 किले कलो है तो बोन वाले हैं, जिनमें क्यों बोया जा रहा है, गाय के लिए ना बिरसिम बोई जाती ना दुआर बोई जाती।